हेलो भाई, आप कैसे आप? मैं हूं शंकर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एस जी गेमर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है जाने वाले हैं एक माइनिंग एरिया में। मतलब हमने जो कि कल एक वीडियो डाला था, मैंने तो आप लोगों ने देखा होगा, कल नहीं मतलब आज शाम को ही डाला हुआ है तो आपने देखा होगा, तो कि हमने जो है उसमें मतलब वो मैंने कल माइनिंग की थी लेकिन आज शाम को डाला हूँ। तो बात ये कि वहाँ पे जो है मैंने माइनिंग में क्या, फिर मेरे को दो ट्रेजर चेस्ट मिली एंड वहाँ से ना मैंने मेरे को ये दो सामान मिल गया, एक जो सोवल हो गया और एक ये पिकेक्स हो गया। मतलब जो ये वाला है इसका ही मतलब बाकी का और सामान मिल गया, तो एक तो यार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात जो कि ये हो चुकी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी मुझे, तो मुझे मिल गई तो सबसे अच्छी बात तो हो गई है यहाँ पे। तो अभी जो है मैं बहुत सारे अचीवमेंट भी करने हैं यार, तो अभी तक हमने काज भी नहीं बनाया तो वो बनाएंगे और ये भी नहीं बनाए तो वो सब बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड मैंने ढूंढ लिया गोल्ड की जगह, मतलब जहाँ से मतलब हमें गोल्ड मिल रहा था, तो वो मैंने ऑफलाइन में माइनिंग करके ढूंढ रहा था, बट मैंने उस से भी एक गोल्ड भी नहीं तोड़ा है, क्योंकि देखो अगर मैं गोल्ड तोड़ लेता तो मेरे को टॉपिक नहीं मिलता। तो आज जो हम लोग पूरा गोल्ड का सब कुछ बनाने वाला है, तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं माइनिंग को। दोस्तों मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते आ ही रहा कि मेरे को यहाँ पे देख सकते हो एक कमाल की चीज़ यार मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो यार ये ले लेंगे हम लोग, तो चलिए ऐड देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अपन लोग ये चेस्ट खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें मिला गोल्डन सील जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद मिला है ये गोल्ड और सोवेल, तो ये आयरन की है गोल्ड की है, तो गोल्ड की चीज़ मिल गई। और जेट पैक भी मिल चुका है, जेट पैक काम की चीज़ है वैसे तो मेरे पास प्लस है, बट फिर भी जेट पैक मिल गई है तो मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बनाना पड़ेगा क्योंकि अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन इतना सारा रेयर आइटम्स भाई साहब एक ही चेस्ट के अंदर मिलना भाई इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से। आई थिंक ओके गाइस, एक और चेस्ट मिली है, लेकिन उससे पहले गाइस इससे बचना पड़ेगा गाइस। तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा मतलब नीचे जा, अबे मैंने चेस्ट दबा दी यार, छी यार इसकी वजह से चेस्ट दब गई है, इसको छोड़ूंगा मैं। अबे यार मेरा आर्मर फोड़ के रहेगा सारा। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा कोल है तो उसी से भी बनाना पड़ेगा यार, ये क्या करे यार अपना दिन ही खराब है साला। चलो गाइस यहाँ पे फोन लो, अबे यार ये भी यहीं पे साला बैठा हुआ है, हटते दोस्तों इससे, इसकी हटो। तो चलिए दोस्तों, तो अरे मैं गोल्ड माइनिंग के लिए आया था साला, रूबी मिल गया है। चलो कोई नहीं यार, हमें चाहिए रूबी भी ले ही लेते हैं, और ये ब्राउन क्ले के ब्लॉक्स भाई साहब ये उठा लेते हैं, क्योंकि यू नो क्ले भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया सामान होता है, और अगर क्ले नहीं मिलता फिर काफ़ी दिक्कत होती है यार, पानी और मिट्टी से फिर बाद में क्ले बनाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है तो यार हम लोग क्ले के ब्लॉक्स ही कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फुकट में मिल रहे हैं ना। तो देखते हैं दोस्तों, तो तीन आयरन है, तीन ये है एंड हमारे पास चार रूबी है, तो हम उससे जो है पिकेक्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर लावा भी है गाइस, तो और कुछ है क्या यहाँ पर लूट वगैरह? तो ऐसे तो अपने मिशन गोल्ड ढूंढना था, तो चलिए दोस्तों मैं आपको उस जगह में ले चलता हूँ जहाँ पे गोल्ड था, ठीक है? तो चलते दोस्त। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि स्किप करके ले जाऊँ, बट चलो यहाँ से ही ले चलते। तो ये देखो जेट पैक से जाना है, बेबी भी लावा में गिरने वाला था, तो अभी चलते और इसको तोड़ते हैं अभी। ये साला आयरन मैन जैसा दिखने वाला फटीचर, इसको मार देते हैं दोस्तों। तो अभी हमने आर्मर भी नहीं पहना है, तो ये लो एक गोल्ड आ चुका है अपने पास एंड एक ही है। तो अभी ओके दोस्तों, ये भी मैंने क्लेम नहीं किया, तो इसको भी क्लेम कर लेते दोस्तों फटाक से। तो ये लो, ये भी खोलते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब डायमंड की मिल गई ये, कुछ भी भाई डायमंड की मिल गई भाई ये। ओ भाई साहब रूबी के हेलमेट है, चलो चलो पहन लेते। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, नहीं बस पहन लेते इसको पहन लेते हैं, और स्कार्फ फेंक देते हैं, चलो कोई नहीं। एंड ये लूट है ये ले लेते हैं, ये किताब का क्या करूँ मैं, खोल के देखता हूँ। ले बस साला अजीब अजीब चीज़ें दे देते ये लोग, ठीक है इसको। तो एक और पिकेक्स है, तो ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पर रख देते हैं। और हम अपने मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं भाई, हमेशा गोल्ड, चलो गोल्ड। तो चलो गोल्ड ले लेते हैं, और भी थोड़ा सा गोल्ड था यार आसपास में, कहाँ पे था वो,
देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गॉगल्स लगा के, वही ऊपर पे ही है, चलते हैं दोस्तों। एंड इधर से चलेंगे क्योंकि हड्डी वाले से मेरे को अभी निपटना नहीं है सारे से, कोई नहीं। अबे 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 भाई साहब, अबे 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 वो साला क्या होगा, कुल 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 खुल जा साले भाई साहब। भाई इसकी तो मैं अभी वीडियो को भाई उसकी बैन देते हैं। चलो अबे सवाल किस लिए रखा मैंने, अबे अबे मेरे पिचपन साले मत आ इधर। ओके 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 गाइस ओके, साला मुझसे लड़ेगा कोई, इसको समझाओ रेस जी से नहीं लड़ने का, मैंने रेस जी मार डालेगा इसको, कोई नहीं। चलो तो ये अकल से पैदल था, अभी इसको खोलते हैं। अबे वे 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 साला को मार दिया मैंने, तो ये बनते हैं। तो ये एक गया, ये दू गया, और भाई साहब यार मतलब मेरे को रूबी मिल गया यार, क्या करें। तो नीचे लो, एंड फिर मेरे को एक बड़ी वाला स्क्रीन शॉट भी लेना है थंबनेल के लिए, तो वो तो लेंगे ही। अबे हट ना यार साला, पता नहीं परेशान कर डालते हैं। चलो चलो कोई नहीं, तो बढ़िया वाला एक थंबनेल भी, मतलब थंबनेल के लिए भी एक स्क्रीन शॉट लेंगे, गोल्ड ही गोल्ड, मतलब थंबनेल के लिए अट्रैक्शन तो करना पड़ता है ना गाइस। चलो दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं और कुछ है क्या, और गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड दिख रहे क्या आपको, दिख रहे तो कमेंट करके बताओ भाई, मेरे को और गोल्ड नहीं दिख रहा। तो ये लक्की ब्लॉक क्लेम कर लेते हैं, कोई नहीं। चलो ओके ऐड देना कंप्लीट है, तो अबे कुछ अच्छा दे दे भाई साला, क्या कुछ देता है। अबे यही काफ़ी रेयर है, काफ़ी रेयर है, इसको किस क्लेम करता हूँ। नहीं क्या फेंकूँ मैं, क्या फेंकूँ, अभी लकड़ी फेंक देता हूँ। अबे एमराल्ड, अबे चल हट यार, गया अपना साला माल मसाला, क्या करे यार, मैं लकड़ी के फेंकने के जगह मैं क्या कुछ फेंक दिया। चलो कोई नहीं, 7 गोल्ड मिल चुका है, अभी देख लेते हैं यार अच्छे से कोई गोल्ड है तो नहीं है दोस्तों। तो अभी इसके लिए एक थंबनेल के लिए ले लेते हैं दोस्तों, बढ़िया तरीके से एकदम, तो वो तो लेना ही पड़ेगा ना। तो अगली बार में मैंने थंबनेल के लिए नहीं लिया था, तो इस बार तो ले हीगे। तो चलो कोई नहीं, मेरे पहनते हैं तो यहाँ पे रखते हैं एंड ये दिखाते हैं। चलो तो एक स्क्रीनशॉट डन गाइस, अभी ये थंबनेल के रेडी हो चुका है, तो ये क्लेम कर लेते हैं। चलिए ओके एक दो, तो देख लो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने घर। तो मैं यार गोल्ड को सबसे पहले स्मेल्ट होने के लिए रख दूँगा, लेकिन उससे पहले अपनी आयरन है रख देते हैं। तो 41 आयरन है मेरे पास, 41 ये मेरे पास, ये बबल पोशन है, इसको अपन लोग थोड़ा सा उधर पे रखेंगे छोटे वाले चेस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मतलब यार इनविजिबल वाले पोशन रख लेते हैं इधर पे। एंड यार लकड़ी ढेर सारे अभी मेरे पास, तो ये स्टिक्स रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, ये किले भी रख देते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये क्या है, इडियल मार्क्स, तो इसको हम लोग कहाँ पर रख दे, मेरे ख्याल से तो इसी चेस्ट के अंदर रख देते हैं। रूबी और एमराल्ड मिला है, जेट पैक मिला है, इसको भी यहीं पर रख देते हैं। एंड अभी एरोज भी बनाएंगे तो ये रख देते हैं, और क्या नीचे है, ये नीचे ये रख देते हैं, और ये पिकेक्स भी मतलब रखेंगे काम चलाने के लिए। तो मैं यार स्टिक्स कहाँ पर रख दिया हूँ, तो ये मेरे पुराने टूल्स थे, तो अभी गोल्ड आ चुका है तो उसके नए टूल्स बनाऊंगा। तो चलो एंड देखते हैं गाइस कितने सारे बन पाएंगे। तुमने यार स्टिक्स कहाँ रख दिए यार, तो स्टिक्स ले लेते हैं, स्टिक्स में बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों गोल्ड को 1 सेकंड में स्मेल्ट करने का मेरे पास तो टेक्निक है ना, तो देख लो गाइस 1 सेकंड के अंदर स्मेल्ट हो जाएंगे। देख लो यार मैंने 1 सेकंड के अंदर स्मेल्ट कर लिया, 14 मिले। एंड दोस्त यहाँ पे देख सकते हो ये भी यार चार्ज होने वाला है, तो इसको 1 सेकंड में कर लेते, तो 10 में देखना 1 सेकंड। तो ये देखो ये भी हो चुका है, तो चलिए देख लेते ऐड, ऐड ख़त्म भाई, पैंट दे दे यार। ओ भाई साहब आज अपना लग भाड़े पे, आज अपना लग तगड़ा है, देख लो यार 19 पोषण भाई साहब। तो चलिए अभी टूल्स बना लेते हैं जो कि हमने वादा किया था, तो गोल्ड की एक सोड बनेंगे जो कि तो चीज दर्द की जरूरी है, फिर ये एक सवाल तैयार गोल्ड का सवाल है, बट टूल्स के लिए चाहिए पड़ता है। तो ये लो हो चुका है अपना पूरा का पूरा गोल्ड कलेक्शन, एंड गोल्ड की ब्लॉक्स भी बनाने थे ना। अबे यार मैं पहले गोल्ड की ब्लॉक्स बना लेता तो अच्छा होता, अच्छी यार। नहीं 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 लूट तो मैं आगे भी मिलेगा, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें। तो और इसके लिए दोस्तों 6 मिनट का वेट करते हैं, क्या पता इसके अंदर ही गोल्ड मिल जाए हमें। तो चलिए पहले तो यार एक ब्लॉक यहाँ पर रख के 5 गोल्ड हो चुके हैं, तो गोल्ड को भी हम इधर रखेंगे। एंड अपने जो गोल्ड के टूल्स हैं उनमें से भाई ये एक्स को इधर और सवाल को इधर रख देंगे, बाकी स्वॉर्ड और पिकेक्स अपनी काम आएगी, तो ये दोनों रख देते हैं।
एंड ये पिकेक्स तो मैं रखूँगा काम चलाने के लिए, इस सोड को भी इधर नहीं रखूँगा, अपने सोड को कॉपर को डालो और सोड को इधर रख देते हैं। लेकिन अचानक से ना मुझे कुछ याद आ गया दोस्तों, सबसे पहले कुछ खा लेते उसके बाद आपको बोलता था। मुझे क्या याद आ गया कि मेरे एक दोस्त ने मेरे वर्ल्ड के अंदर माइनिंग की थी ना मेरे साथ किया था, तो उसने इस चेस्ट के अंदर कुछ छुपाया था। तो चलिए दोस्तों उसका पासवर्ड मुझे पता है, तो ओके इसके बाद आधे गोल्ड थे तो चलिए इनसे ही ब्लॉक बना लेंगे और अपनी एक सेकंड वाली टेक्निक यूज़ कर। तो 16 हो चुका है अब तो पक्का हो जाएगा। ओके आई एम रिच डायमंड मिलेंगे तो मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा। तो गोल्ड के ब्लॉक्स को हम लोग गोल्ड के ब्लॉक्स में दोस्तों इसके इमेज बनाएंगे। तो ये रखो 21 गोल्ड अभी भी है हमारे पास, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।